इस देश के प्रधानमंत्री जी ने ये यात्रा प्रारंभ करके लोगों को सारी खूबियां बताने का काम किया, जिससे इस यात्रा से लोगों को फायदा मिले। वहीं विकसित भारत जन समान संकल्प यात्रा का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गत 15 नवंबर 2023 को आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र झारखंड के खूंटी से प्रारंभ किया। हरियाणा में 29 नवंबर 2023 को इस यात्रा का शुभारंभ होना है और आज 30 तारीख को इसको इस गांव को प्रारंभ किया गया है। विकसित भारत जन समान संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रव्यापी आउटरीच पहल है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताना है। हरियाणा में इस यात्रा के दौरान प्रदेश भर में टाउन रन चलाए जा रहे हैं, जो एक दिन में कम से कम 2 गांव को कवर करेंगे। यह यात्रा 25 जनवरी 2024 तक प्रदेश के प्रत्येक गांव में होकर गुजरेगी और सभी गांव वासियों को इस यात्रा से जो लाभ मिलेगा उनके बारे में आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार से स्टॉल लगाए गए हैं ताकि सभी को हरियाणा और सेंट्रल सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उत्थान और अंत्योदय को हासिल करने के लिए एक अनूठी स्कीमें जो शुरुआत की है वो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। आईटी के बड़े पैमाने का प्रयोग करते हुए व्यवस्था परिवर्तन का काम किया गया है, जिसमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद पर अंकुश लगाया है। वही परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं में योजनाओं को ऑनलाइन करने का काम भी सरकार ने घर घर पर यह लाभ पहुंचाने का काम किया है। पहले इन परिवारों में बीपीएल में शामिल किया गया था, जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 रूपये से कम थी। सरकार ने यह आय बढ़ाकर 1,80,000 रूपये वार्षिक कर दिए। इसमें 20 लाख नए परिवार बीपीएल में आ गए और प्रदेश में 42 लाख उन परिवारों को ऑनलाइन बीपीएल राशन कार्ड भी दिए गए, जिससे जिनकी आय 1,80,000 रूपये तक की है। वहीं गरीब लोगों को धन के अभाव में उपचार से वंचित है उनकी आयुष्मान व भारत चिरायु योजना चलाई जा रही है, जिसमें स्वच्छ परिवार को 5 लाख रूपये तक सालाना मुफ्त इलाज करने की सुविधा रहेगी। अब तक कुल 87 लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना में प्रदेश 8,50,000 मरीजों के इलाज के लिए 1,88 करोड़ रूपये का फायदा ले चुके हैं। अब इस योजना में वार्षिक आय की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दी गई है। इसमें 8 लाख और परिवार कवर हो जाएंगे। इन परिवारों का स्वास्थ्य बीमा के रूप में 1,500 रूपये वार्षिक जमा करवाने होंगे। सबको स्वास्थ्य रखने के लिए दिशा में एक अन्य पहल निरोगी हरियाणा योजना के रूप में की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के संपूर्ण जनसंख्या का 2 साल में कम से कम 1 बार संपूर्ण स्वास्थ्य जांच कराना है।